तो दोस्तों, कुछ सिनेफिल्स जानते हैं कि जहां हिंदी सिनेमा के आइडियाज खत्म होते हैं, वहां से साउथ इंडियन सिनेमा सोचना स्टार्ट करता है। खास तौर पर तमिल और मलयालम सिनेमा, जो सालों से ऐसी फिल्म बनाते आ रहे हैं जो कि वर्ल्ड के बेस्ट सिनेमा में काउंट हो सकती है। मगर किसी भी दो इंडस्ट्री में कंपेयर करना अच्छी बात नहीं है। हर इंडस्ट्री की अपनी स्ट्रेंथ और अपना वीक स्पॉट होता है। अब हिंदी सिनेमा को ही देखिए, ये एक्सपेरिमेंटेशंस में लैक करता है, और वहीं साउथ इंडियन सिनेमा में बहुत यूनिक थीम्स एक्सप्लोर की जाती हैं। लेकिन फिर भी एक कंफ्यूजन सबके दिमाग में रहता है, पहले मेरे भी था, कि साउथ इंडियन सिनेमा में कौन कौन सी लैंग्वेजेस वाली फिल्में आती हैं। तो मैं आपको बता दूं, तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, ये चार मेन लैंग्वेजेस हैं। आज की लिस्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं 10 ऐसी साउथ इंडियन फिल्म्स जो आपको कहानी पे सोचने पे मजबूर कर देंगी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑल पर कर दीजिए, ताकि मूवीज और वेब सीरीज का कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर है साइको। डायरेक्टर मिशकिन का नाम जितना यूनिक है ना, उतने ही यूनिक होते हैं इनके कॉन्सेप्ट्स। फिल्म का टाइटल देख के ये बिल्कुल अज्यूम मत करिएगा कि ये अल्फ्रेड हिचकॉक की कल्ट क्लासिक फिल्म का रीमेक है। तमिल फिल्म साइको एक स्टैंड अलोन फिल्म है, जिसकी कहानी एक साइकोपैथ किलर से स्टार्ट होती है, जो एक लड़की का सर काट के उसका मर्डर कर देता है। उसके बाद एंट्री होती है हमारे हीरो की, गौतम, प्लेड बाय उदयनिधि स्टालिन, जो एक ब्लाइंड म्यूजिशियन है। आपको बता दूं, इस फिल्म में अदिति राव ने फीमेल लीड रोल किया है। वैसे मिशकिन के डायरेक्शन की खासियत ये है कि उनकी फिल्म्स में आप बिल्कुल एज्यूम नहीं कर सकते कि कैरेक्टर्स आगे करेंगे क्या। ग्रे कैरेक्टर से भरी हुई ये फिल्म मोरालिटी, ब्लैक व्हाइट और ऐसे ही फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट से डील करती हुई आपको एंगेज्ड रखती है। सबसे खास बात, एंडिंग आपको सरप्राइज करता है। इलैयाराजा का म्यूजिक जहां फिल्म को अलग प्लेन पर ले जाता है, वहीं तनवीर मीर की सिनेमेटोग्राफी आपको बांधे रखती है स्टार्टिंग से एंड तक। सो मिशकिन की स्टाइलिश राइटिंग और डायरेक्शन के लिए इस फिल्म को फुल स्टार्स। नंबर 9, डबल अटैक। 2015 में रिलीज हुई ये तमिल फिल्म कहीं कहीं साइंस फिक्शन जॉनर को भी टच करती है। कहानी है एक पागल साइंटिस्ट की, जो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आपको बता दूं कि ये साइंटिस्ट कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करता है जो मोरली और एथिकली गलत हैं। कैसा कानून है? 40 साल लग जाते हैं एक ओपन एंड शट केस का फैसला होने में, लेकिन झूठे विटनेस से सच्चाई की आवाज दबाकर गुनहगार 4 दिन में निकल जाते हैं। यकीन नहीं होता कि ये ट्रेनिंग लेकर मैं ऐसे खोखले कानून की हिफाजत करूंगा। और उसके बाद तो एंट्री होती है आईपीएस ऑफिसर मित्रन की, जो कि एक ड्यूटीफुल लॉ ऑफिसर है। एक्शन, थ्रिलर्स और एंटरटेनमेंट से भरी हुई इस फिल्म में लोकल पॉलिटिक्स की भी एंट्री होती है, और इस सब का एंड रिजल्ट निकलता है एक ऐसी फिल्म जिसे आप जितनी बार भी देखेंगे ना, हर बार एंजॉय करेंगे। तमिल सिनेमा के स्टार डायरेक्टर मोहन राजा कोई कमी नहीं छोड़ते ये एंश्योर करने में कि उनकी ऑडियंस को एक एक्शन थ्रिलर का पीक देखने को मिले। म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग एंड राइटिंग के साथ मोहन का डायरेक्शन इस फिल्म को डायरेक्टर्स फिल्म बना के रख देता है, जो कि इंडियन सिनेमा में एक रेयर चीज है। कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस के साथ आगे बढ़ती हुई ये फिल्म एक सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन पर खत्म होती है, जहां एक सॉलिड मास अपील के साथ एक सोशल मैसेज भी है। नंबर 8 पर है अब है। अगर रजनीकांत मेन स्ट्रीम साउथ इंडियन सिनेमा के अनडिस्प्यूटेड किंग हैं, तो फिर कमल हसन वो परफेक्शनिस्ट हैं जिन्होंने शायद ही कभी अपने फैंस या इन जनरल मूवी गोवर्स को डिसअपॉइंट किया हो। आपको बता दूं, अब है दो जुड़वा भाइयों की कहानी है, नंदू और विजय, जिनकी माँ की डेथ के बाद उनकी एब्यूसिव सौतेली माँ ने उनको पाला पोसा। अब नंदू और विजय दोनों अलग अलग रास्ते चुनते हैं जिंदगी में, और प्रॉब्लम्स वहां से शुरू होती है जब नंदू को विजय की फियांसे में अपनी स्टेप मदर की झलक दिखती है, और फिर शुरू होता है एक गेम दो भाइयों के बीच में। अगर हम कहें कि अभय अपने टाइम तक इंडियन सिनेमा की सबसे यूनिक फिल्म्स में से एक थी, तो एग्जेजरेशन नहीं होगा। सुरेश कृष्णा के स्टाइलिश डायरेक्शन की वजह से ये फिल्म इंटरनेशनल लेवल की किसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगती। हॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर क्वेंटिन टेरेंटिनो ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने उनकी सुपर हिट फिल्म किल बिल का एक सीक्वेंस अभय से इंस्पायर्ड होकर लिखा था। इस फिल्म को
उतनी अप्रिशिएशन उस टाइम नहीं मिली, मगर आज ये एक कल्ट फिल्म मानी जाती है। नंबर 7, यूटर्न। राइटर डायरेक्टर पवन कुमार की डेब्यू फिल्म लूसिया ने नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में काफी अप्रिशिएशन जीती थी, और सही रीजंस की वजह से। कन्नड़ सिनेमा की माइलस्टोन मानी जाने वाली लूसिया से करियर शुरू करने वाले पवन कुमार आते हैं यू टर्न पर। बीच सड़क पर गाड़ी रोककर अपनी सहूलियत के लिए रोड ब्लॉक्स हटाकर किसी को मरने के लिए छोड़ देना, ये सही है? फिल्म का यूनिक कॉन्सेप्ट आपको शुरू से ही बांधे रखता है एक हॉन्टेड फ्लाईओवर से। एक रिपोर्टर इन्वेस्टिगेट करने निकलती है कि आखिर उस फ्लाईओवर का सीक्रेट क्या है जिसने पूरे शहर में दहशत फैलाई हुई है, और फिर वो खुद एक जाल में फंसती जाती है जिससे निकलने के लिए उसे उस फ्लाईओवर की मिस्ट्री को किसी भी हाल में सॉल्व करना होता है। आफ्टर मल्टीपल टर्न्स एंड ट्विस्ट्स, ये फिल्म आपको ले जाती है एक ऐसी राइड पर जहां पर ये फिल्म हॉरर, थ्रिलर, साइकोलॉजिकल ड्रामा जैसे बहुत से जनर को टच करती हुई अपने कंक्लूजन पर पहुंचती है। फिल्म की हाइलाइट्स इसकी कहानी के अलावा पवन का सुपर स्टाइलिश डायरेक्शन और समंता की बेहतरीन एक्टिंग है। नंबर 6, एक कदम। तेलुगु फिल्म्स यूजुअली जानी जाती हैं अपने माइंडलेस मसाला कॉन्सेप्ट के लिए और हिंदी मसाला फिल्मों को इंस्पिरेशन देने के लिए, मगर टाइम टू टाइम ऑडियंस को सरप्राइज करना भी जानती हैं। एक कदम फुल ऑन महेश बाबू की फिल्म है जो तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से माने जाते हैं। एक कदम में वो प्ले करते हैं एक रॉक स्टार जो अपने पास्ट में काफी राज दबाए हुए है। मेंटल डिसऑर्डर से स्ट्रगल करते हुए वो अपने पेरेंट्स के मर्डरर की ट्रेल पर निकलता है एक जर्नलिस्ट की हेल्प से। फोटोज में क्लैरिटी नहीं है, पहचान पाना मुश्किल होगा। पीछे जाओ, मोबाइल फोन पर ज़ूम करो। वैसे इस फिल्म में आपको वो सब मिलेगा जो आप एक तेलुगु फिल्म में जनरली एक्सपेक्ट करोगे। एक्शन, मसाला, ग्रेट म्यूजिक, ग्रेट एक्शन एंड सम ओवर द टॉप परफॉर्मेंस। महेश बाबू अनडाउटेडली लीड रोल में है, मगर इस फिल्म की हीरो इसकी कहानी है। नंबर 5, मुंबई पुलिस। 2013 में रिलीज हुई मुंबई पुलिस एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसको जितनी बार आप देखेंगे ना उतनी बार आपको कुछ नया समझने को मिलेगा। कहानी शुरू होती है एसीपी एंटोनी से, जो कि प्ले किया है, हाँ आपने सही गेस किया, पृथ्वीराज ने। पृथ्वीराज कॉन्टेम्पररी मलयालम सिनेमा के वो स्टार हैं जिनके पास क्लास और मास दोनों को इम्प्रेस करने का रेयर फॉर्मूला है। और जहाँ बात की जाए साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स की, तो पृथ्वीराज की सटल एक्टिंग ना केवल सटलिटी को इन्हांस करती है पर ऑडियंस को भी एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। इस बार वो बने हैं एसीपी एंटोनी जो अपने दोस्त के किलर को पकड़ने में लगे हुए हैं। कैट एंड माउस का ये गेम काफी थ्रिलिंग है, और एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट आते हैं कहानी में कि आप शॉक्ड हुए बिना नहीं रह पाएंगे। नंबर 4, मेमोरीज। जीतू जोसेफ के डायरेक्शन में बनी ये मलयालम फिल्म आपको दुनिया की बेस्ट क्राइम थ्रिलर्स की याद दिलाएगी, पृथ्वीराज। जी हाँ, एक बार फिर पृथ्वीराज इसमें एक पुलिस ऑफिसर सैम एलेक्सा का रोल प्ले कर रहे हैं जो अपनी फैमिली की मौत के सदमे से उबरने की कोशिश में शराब से दोस्ती कर चुका है। जब जिंदगी में जीने की सारी उम्मीद खत्म हो जाती है तब आता है कहानी में ट्विस्ट। शहर में एक के बाद एक मर्डर हुए हैं और पैटर्न वही है सैम की फैमिली वाला। सैम को अब एक नई जिंदगी मिलती है और उसके मोटिव्स मॉडिफाई हो जाते हैं, और फिर शुरू होती है वो कहानी जिसको सुनने से ज्यादा आपको एक्सपीरियंस करना जरूरी है। जहां फिल्म के डायलॉग्स आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक आपके फिल्म वॉचिंग एक्सपीरियंस को अलग लेवल पर ले जाएगा, और हाँ क्लाइमैक्स में दिल थाम कर बैठिएगा, ऐसा क्लाइमैक्स शायद ही इंडियन ऑडियंस ने कभी एक्सपीरियंस किया हो। नंबर 3, 7 डे। मलयालम सिनेमा ने रिसेंट ईयर्स में एक के बाद एक मास्टरपीस डिलीवर किए हैं ऑलमोस्ट हर एक जेनर में, मगर जब बात आती है साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स की तो शायद ही इंडिया में कोई इंडस्ट्री है जो हर बार सरप्राइज करती है सिवाय मलयालम सिनेमा के। 7th डे की कहानी शुरू होती है डेविड से जो अमेजिंगली पोर्ट्रे किया है मलयालम सिनेमा के क्रिटिकली एक्लेम्ड एक्टर, जी हाँ एक बार फिर
पृथ्वीराज ने। पृथ्वीराज ने प्ले किया है इसमें डेविड अब्राहम का रोल, जो कि एक आईबीएस पुलिस ऑफिसर है। मैं पूरी तरह से हार गया था। उसके पिछले दिन मैं शहर के एक लॉज में गया था। वो लोग कहां गए मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया सर। डेविड अचानक दो लोगों से मिलते हैं एक पार्टी से लौटते हुए, और उसके आगे कुछ नहीं। उसके आगे हम आपको कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि ये एक स्पॉइलर होगा। ऑल वी वांट टू से इज कि ये उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिसे आप गैस करते रह जाएंगे और राइटर अखिल पॉल मास्टर स्ट्रोक पे मास्टर स्ट्रोक मारते रहेंगे। इसलिए ये 2014 की बेस्ट मलयालम फिल्मों में से एक थी। और अगर आप एक ट्रू साइकोलॉजिकल थ्रिलर जेनर के फैन हैं तो इस फिल्म को मिस नहीं किया जा सकता। नंबर टू पर है अपरिचित। डायरेक्टर शंकर रजनीकांत से अपने एसोसिएशन के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, मगर हम में से काफी लोग उनको अपरिचित के लिए भी जानते हैं। बहुत अच्छी चल रही थी ये फिल्म हिंदी सिनेमा दिखाने वाले चैनल्स पर कुछ साल पहले, और बहुत सारे लोगों का साउथ इंडियन सिनेमा से परिचय अपरिचित फिल्म से ही हुआ था। अम्बी एक सीधा साधा इंसान है जिसको सब बुली करते हैं, मगर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिससे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है उसकी जिंदगी बदल देता है, फॉर गुड और फॉर वर्स। ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। उसकी दूसरी पर्सनैलिटी एकदम अपोजिट है, स्टड की है। इंडिया में बहुत कम फिल्म बनती हैं मेंटल इलनेस पे। अपरिचित में बहुत कुछ है जो इसे एक मेमोरेबल फिल्म बनाता है। एक्शन है, कॉमेडी, इमोशंस, बढ़िया राइटिंग और सबसे बेस्ट स्टोरी। अम्बी जब भी अपने आसपास कुछ गलत होते हुए देखता है ना, तो उसकी दूसरी पर्सनैलिटी रेमो उसको टेक ओवर कर लेती है। मेरे रेंज का काम नहीं मिला तो घर कैसे चलता है? पिता मजदूरी करते हैं, माँ भी मजदूरी, कभी कभी बर्तन धोती है। वो खर्च के लिए तुम्हें पैसे देते हैं? छीन लेता हूँ। और फिर शुरू होता है गरुड़ पुराण के हिसाब से बुरे लोगों को सजा देने का सिलसिला। और फिल्म का क्लाइमैक्स आपको फिल्म खत्म होने के बाद भी बहुत देर तक ग्रैब करके रखेगा, फॉर श्योर। सो द लास्ट वन इज नंबर वन, मैं हूं दंडाधिकारी। अगर साउथ इंडियन सिनेमा से आपका इंट्रोडक्शन होना बाकी है तो इस फिल्म से बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। इंडियन लैंग्वेज में बनी ये फिल्म राम कुमार ने लिखी और डायरेक्ट की है, मगर अपने फादर के डेथ के बाद सर्कमस्टेंसेस उसे पुलिस फोर्स में ले आए। एक सीरियल किलर को ढूंढते ढूंढते वो जिस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और सेल्फ रियलाइजेशन से गुजरता है वो वाकई में देखने लायक है। एवरीथिंग अबाउट दिस फिल्म वर्क्स, म्यूजिक से लेकर सिनेमाटोग्राफी, डायलॉग्स और एक्टिंग तक। पर केयरफुल रहिएगा, फिल्म आपका आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकती है। बस वो फोटोज मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए दिखा दो, कोई क्लू मिलता है क्या देखना है भाई, प्लीज भाई। तो दोस्तों ये थे लिस्ट ऑफ द बेस्ट साउथ इंडियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स फिल्म की। साउथ इंडियन सिनेमा को हिंदी सिनेमा से कंपेयर करके डिनाई कर दिया जाता है इन द मॉडर्न सिनेरियो, बट हम डिनाई नहीं कर सकते। फिर चाहे बजट, स्टार पावर, आउटरीच, साउथ इंडियन सिनेमा का कम है हिंदी सिनेमा से, मगर जब यूनिक स्टोरीज की बात आती है ना तो हिंदी सिनेमा डजंट होल्ड अ कैंडल। सो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इनमें से कौन सी मूवी आपने देख रखी है और कौन सी मूवी आपको पसंद आई वो भी नीचे कमेंट करके बताएं। और इसी तरह की मूवीज और वेब सीरीज के कंटेंट के लिए फिल्मी तड़का का हिस्सा बनिए लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।